हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएलबी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, हमें एलएलबी कहां से करनी चाहिए, कितने ईयर वाली एलएलबी करनी चाहिए, ये सब चीज़ जानेंगे। जैसे आपको पता ही है, एडवोकेट या लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करनी ज़रूरी होती है। एलएलबी एक लॉ डिग्री होती है, ये दो टाइप की होती है, एक 5 ईयर और एक 3 ईयर। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू एक जितनी है। अब हम बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। तो अभी हम सिर्फ राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान में सभी कॉलेजेस, जो लॉ कॉलेजेस है, वहाँ पे आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी, MGS यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जो कैंपस के अंदर LLB कराती है। इसमें आप किसी भी कॉलेज से नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे इनका कैंपस है वहीं पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और एक लिमिटेड सीट है वहाँ पे, उसी के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे हम डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है वो देखते हैं, जयपुर के अंदर है, उसका कैंपस जयपुर में है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो राजस्थान के अंदर लॉ कॉलेजेस है वहाँ पे भी इसी के थ्रू एडमिशन होते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है ये भी जयपुर में स्थित है, और जयपुर के थ्रू वहीं उसी यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन होते हैं। उसकी एडमिशन प्रोसेस ये है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं 5 ईयर LLB के भी और 3 ईयर LLB के भी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, उसकी 5 ईयर LLB सिर्फ कैंपस में होती है, बाकी कॉलेजों में ये फैसिलिटी अभी नहीं है, बाकी जो ज़िले हैं उनमें भी ये फैसिलिटी नहीं है। यदि आपको 5 ईयर LLB करनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आपको जयपुर जाके ही करनी होगी। अब 3 ईयर LLB की बात करते हैं। 3 ईयर LLB आप कहीं भी लॉ कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा जो MGS यूनिवर्सिटी है वो भी 3 ईयर LLB करवाती है आपकी, और उसके एडमिशन कैंपस में ही होते हैं बीकानेर के। जो आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो अपने शेखावाटी क्षेत्र सीकर के अंदर इसके एडमिशन लेती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि LLB के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि LLB के एडमिशन आखिर में स्टार्ट कब होंगे। तो आपकी LLB के एडमिशन हम लोग को देखने मिलेंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर एंड में। ज़्यादा न्यूज़ यही आ रही है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी आपकी। इसके अलावा जो LLM के स्टूडेंट्स हैं उनका भी है कि हमारे एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में LLB का जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का, उसके बाद ही वहाँ पे LLM के एडमिशन स्टार्ट होंगे। LLM के एडमिशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। रिजल्ट का बोल रहे हैं कि नवंबर के मंथ में रिजल्ट आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन भी जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है, तो सेकेंड वीक से आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे लो कॉलेज कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अभी जाके एडमिशन फॉर्म फिलअप करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। कहीं आप जाके नहीं करा पा रहे हैं एडमिशन, तो आपको वेबसाइट्स भी मिल जाएगी, उन वेबसाइट पे भी अप्लाई करके आप एडमिशन ले पाएंगे उन कॉलेजेस के बारे में। अब आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।